करने से पहले तुम्हारा उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों 6531 ESPD, तो दोस्तों ये हमारे पास SPD है और हमने करना है इस फ्लैश 6531 ई को। तो हमने 6531 ई के लिए हमने ये 6631 ESP को सिलेक्ट करना है। आप अच्छी तरह देख लें, हम 6531 ई को फ्लैश करने जा रहे हैं लेकिन हमने सिलेक्ट की है SPD 6631 ई। जी हाँ, इसके जरिए आप 6531 ई, जी और ए किसी भी चिप को फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम सबसे पहले रीड करते हैं। हमारे पास जो मोबाइल है वो है G5 4 Lite। तो दोस्तों G5 4 Lite की जो बूट की है वो है 0। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद 0 प्रेस करने के बाद इंसर्ट करते हैं अपनी USB केबल मोबाइल में। तो जैसे ही हम मोबाइल में केबल लगाते हैं हमारा मोबाइल बूट होना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं हमारी फाइल रीड होना शुरू हो चुकी है। आप इससे SPD 6531 ई को फ्लैश कर सकते हैं। ये हमारे पास आप चेक कर सकते हैं 6531 ई। तो हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। जी हाँ, ये सेव हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं फॉर्मेट। तो मैं आपको फॉर्मेट करके भी दिखाता हूँ दोस्तों।